जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों हमारा जो बाबा केदारनाथ धाम है उसमें दूसरा दिन है और मैं आज आपको जो पहाड़ी पे जो भैरू जी है उसी के पास लेके चला हूँ और आप भैरू जी के स्थान पे कैसे जा सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ कि आप केदारनाथ के दर्शन करने आओगे तो आपके जो राइट हैंड से रास्ता जाता है पुल की तरफ और पुल से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और वो सामने चोटी पे आप देख पा रहे हो, चोटी पे बाबा भैरूनाथ का भव्य मंदिर है, उस जगह लेके चलता हूँ और आपको दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको मेरे जो पीछे वाले जो जितने भी वीडियो है वो पसंद आ रहा होगे, उम्मीद करता हूँ, और आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलते हैं बाबा भैरूनाथ के और दर्शन करते हैं, हर हर महादेव। दोस्तों इस ब्रिज से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप मेरे सामने देख पा रहे हो जो अलवर, राजस्थान के अलवर से यहाँ पे हर साल भंडारा लगाते हैं, वो भंडारा दिखाऊंगा, आप देख पा रहे हो। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही वो उनका भव्य भंडारा है, तो वहाँ पे चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आप इनका भंडारा कितने टाइम से लगा रहे हैं और ये अमरनाथ यात्रा के अंदर भी लगाते हैं, तो उनसे चलते हैं और इनसे पूछेंगे कि इस भंडारे में जो जनसहयोग आता है किस तरह से आता है, पूरी जानकारी पूछेंगे और उसके बाद में हम बाबा भैरूनाथ के दर्शन करने के लिए चलेंगे। दोस्तों इस भंडारे में इस तरह की सीटिंग कर रखी है कि आराम से आप आके यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा सकते हो। तो ये कुछ श्रद्धालु है जो इनसे पूछ लेते हैं कि जो इनको कहाँ से आए हो आप सब लोग? छत्तीसगढ़। तो यहाँ भंडारे में आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। इनकी जो सुविधा दे रहे हैं तो बहुत सुंदर है, तो आपका धन्यवाद। और इस तरह के ये आप देख पा रहे हो ये अलवर, जो अलवर वालों का भंडारा, राजस्थान अलवर से है ये भंडारा वाले, और इस तरह से सीटिंग लगा रखी है, आप आके यहाँ पे खाना खा सकते हो। तो इनके जो प्रबंधक है जो यहाँ इसी भंडारे को संभाल रहे हैं उनसे जानते हैं कि इनकी क्या व्यवस्था रहती है और ये क्या चाहते हैं इस भंडारे में, क्या चाहते हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे भी क्या चाहते हैं। बहुत सारे भंडारे लगाते हैं तब जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनसे काफ़ी परेशानी आती है, तो इनसे सारी बातचीत जानते हैं। जय बाबा केदारनाथ। जय केदारनाथ। तो आपका पहले तो आप सबका नाम बता दीजिए, आपका शुभ नाम? मनदीप चौधरी। और आपका? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा अलवर से। अलवर से। तो आप जैसे मैं बोर्ड पर देख रहा हूँ अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर, तो ये आपकी समिति है, कितनी पुरानी समिति है? श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति पिछले 8 साल पुरानी है। 2017 में जब हम लोग यहाँ पे केदारनाथ में दर्शन करने आए थे, सबसे पहले हम 2002 में आए थे, 2017 में हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्थाएं देखी तो यहाँ देखा कि यहाँ पे महंगाई बहुत है, यात्री बड़ा परेशान रहता है, तो हमने ऐसा मन में भाव आया केदार बाबा का आशीर्वाद से कि यहाँ पे एक भंडारा का संचालन किया जाए। तो हमने माननीय जो डीएम साहब थे मंगेश घड़ियाल जी और एक एसपी साहब थे प्रहलाद मीना जी, तो उनसे बात किया तो उन्होंने हमें 2018 में 31 दिन के, हिंदुस्तान का ये पहला भंडारा है, 31 दिन के भंडारे की अनुमति दी 2018 में पहला भंडारा लगाया। उस समय यहाँ भंडारा कोई नहीं लगता था, 2018 में सबसे पहला भंडारा यहाँ ऊपर पहला भंडारा था हिंदुस्तान का, और अलवर भंडारे के नाम से आज हिंदुस्तान में फेमस है, और यहाँ पे तकरीबन एक दिन में 20,000 यात्री आता है, उसमें से तकरीबन 4,000 से 5,000 यात्री यहाँ पे प्रसाद पाता है। प्रसाद में कढ़ी चावल होता है, दाल चावल होता है, पूड़ी है, हलवा है, एक मीठा, और सुबह चाय टोस्ट और शाम को चाय का प्रसाद निरंतर चलता रहता है। अच्छा, ये जो खाना है जो आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने हिसाब से मैनेज करते हो? हाँ, ये मेनू हमारा जैसा आज कढ़ी चावल हो गया तो कल दाल चावल हो गया, साथ में पूड़ी रेगुलर चलती है, हलवा रेगुलर चलता है, हलवा कभी हलवा नहीं बनता है तो कभी बूंदी बन जाती है, कभी मीठे में टोसा बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, कभी मन करता है जलेबी बना के खिला दी भक्तों को, लेकिन चूँकि संख्या ज़्यादा होती है, भंडारे एक ही हैं, तो वो सब ऐसा सोचते हैं कि सबके मुख में प्रसाद जाए, इस तरह से ये मानव सेवा में समर्पित श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इस वीडियो के माध्यम से कोई सहयोग करना चाहे इस भंडारे के लिए तो वो किस तरह से सहयोग कर सकता है? सहयोग सीधा खाते में ट्रांसफ़र कर सकता है, खाता नंबर हमने दिया हुआ है। अच्छा, और जो भी मान लो आजकल खाते से कोई बहुत कम लोग यूज में लेते हैं, गूगल पे, फोन पे, हाँ, तो फोन पे नंबर या गूगल पे नंबर हो वो एक बार बोल दीजिए आपके। फोन पे गूगल पे है 9785000859,
एक बार दोबारा बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए। 9785000859। ठीक है दोस्तों, आप इस भंडारे के लिए, मैं इस भंडारे में खाना खाया, मैंने देखा कि इनकी जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, और पीछे जो आप यहाँ के लोकल लोग जो खाना के की व्यवस्था कर रखे हैं वो उनकी रेट इतनी हाई, बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं, लेकिन आप इनके देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो भी देखे, आपसे जो विनती बन पड़े तो इनको सहयोग कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी। अब हम बैरूजी के स्थान पे लेके चल रहा हूँ, वो केदारनाथ बाबा जी का मंदिर है। वहाँ से होते हुए आप इस ब्रिज से क्रॉस करोगे तो ये इसी जगह पे भंडारा मिलेगा, और यहाँ से होते हुए आप ये देख सकते हो वहाँ पे पहाड़ों की ऊंचाई पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे मंदिर है, उस जगह पे लेके चलता हूँ। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी दोस्तों। आई होप आप सभी को जो ये केदारनाथ की सीरीज है, मैं राजस्थान सीरीज को छोड़ के इसमें आया क्योंकि बहुत ही यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो लोग बाग को जो नहीं आ पाते तो उनको बाबा केदारनाथ के दर्शन करवा पाऊँ और बाबा बैरू जी के दर्शन करवा पाऊँ। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँ वो मैं आपके आराम से आप देख पाऊँ, और कुछ ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता इसमें, आराम से आप पेड़ियाँ बनी हुई है इसमें आप जा सकते हो। तो कैसा लगा आपको बैरू जी का स्थान से दर्शन किए? बहुत अच्छा लगा, प्रारंभ में तो बहुत कठिनाई होती है लेकिन ऊपर जाके बहुत सुकून मिलता है। तो आप कहाँ से आए हो सब लोग? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ बॉर्डर। और आप कहाँ से आए हो? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर से। अच्छा, तो आपको यहाँ केदारनाथ में आया आप, तो बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्न हुए। कठिनाई बहुत है। अच्छा, लेकिन आने में बाद थकनाई पूरी होने के बाद पूरी कठिनाई, तो लोगों को आना चाहिए इस जगह पे, आना चाहिए। पर थोड़ी सी प्रकृति की जितनी सुंदरता है वो सारे उत्तराखंड में ही है। तो बिल्कुल, इन भैया ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तो देवभूमि में तो सुंदरता मिलेगी, जहाँ देव निवास करते हैं उस जगह तो सुंदरता रहेगी। तो दोस्तों, आप मेरे लगातार वीडियो में देख रहे हो कि यहाँ की वादियों की कितनी सुंदरता है, और इन भाई लोगों से हम बात कर रहे थे तो इन्होंने अच्छी चीज़ बताई है कि यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, बहुत थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, इस तरह का ये ट्रैक है, आप इस ट्रैक पे आराम से जा सकते हो, और यहाँ से जो केदार बाबा का मंदिर दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य नज़र आ रहा होगा आपको, और ये पूरी केदार घाटी। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जो वासुकी ताल के लिए रास्ता जाता है वो वहाँ से होते हुए इस रास्ते से होते हुए ऊपर जाता है, जो पांडव सड़क में जा रहे थे तो इसी रास्ते से बताया जाता है कि वो इसी रास्ते से ऊपर गए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा देख रहे हो आप। क्या लगे इसका? अरे बाबा, क्या हुआ, कैसे बैठ गए आप? अरे भाई क्या करे, बाबा के आश्रम में बैठे हैं, बाबा यहाँ मिल गए रास्ते में। अच्छा, तो बाबा ने बोले कि पूरी जानकारी दे दी मैं कि बाबा यहाँ कैसे आके बैठे थे। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ये केदारनाथ? बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ गया बाबा की कथा सुन के, और हम तो ये सोच रहे कि हम भी यहीं बाबा के पास में बगल में बैठ जाए। तो ये चीज रात को ठंड कैसी थी? अरे रात को तो चिल्ड कर दिया भाई, चिल्ड। कितना माइनस में था भाई? थे दो डिग्री भैया, 2 डिग्री। लेकिन हमने टेंट में मोजे हाथों ग्लव्स पे ग्लव्स, देखो 3-4 लाइन के पैर रखे, लेकिन आप हमने वो टेंट में रुक गए। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारे, क्योंकि आप बर्फ़ के अंदर रहेगा तो टेम्परेचर तो डाउन रहेगा ही रहेगा। और ये इस तरह का पूरा ट्रैक है, और हम इस ट्रैक से ऊपर होते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए भाई लोगों, अब उनको आगे भी चलना है। Thank you.
जो बैरू जी का स्थान है उस मंदिर पे हम आ चुके हैं। और ये सामने बैरू जी का स्थान पूरा सांस फूल रहा है दोस्तों, क्योंकि इतनी ऊंचाई चढ़ाई पे आया हूँ और फिर ऑक्सीजन का भी थोड़ा लेवल कम है तो इस वजह से सांस फूलने लग जाता है। बहुत ही भव्य और ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चलते हैं फिर बैरू जी के दर्शन करते हैं। और ये बाबा बैरूनाथ, और यहाँ से भी आपको जो केदारनाथ बाबा का मंदिर है उनके दर्शन हो सकते हैं। वो सामने दिख रहा हो वो वाला बाबा केदारनाथ के मंदिर, और ये बाबा बैरूनाथ का बहुत ही भव्य और बहुत ही प्राचीन मंदिर। और इस जगह से मैं आपको जो केदारनाथ की मंदिर है वो भी दिखाता हूँ। वो सामने आप देख पा रहे हो केदारनाथ का मंदिर, और इस जगह से पूरी केदारनाथ की घाटी का नज़ारा देख रहे हो आप। बहुत ही सुंदर दोस्तों, मैंने आपको जो भैरू जी का स्थान था उसके दर्शन करवाया, और मैंने यहाँ से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी फोटो भी क्लिक की है, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाके वो देख सकते हो। और अब हम यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहाँ से भी देखते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं, दो चार इंस्टाग्राम के लिए रील बनाएंगे और उसके बाद में हम नीचे जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको जो ये बाबा भैरूनाथ का मंदिर है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। जब केदारनाथ के में पांडव आए थे तभी से ये भी मंदिर यहीं का बनाया हुआ था। दोस्तों, अभी मैं जो मंदिर है भैरू जी का मंदिर उससे ऊपर आ चुका, और यहाँ से जो बादल है पूरे आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो आगे। जैसे पहले मौसम बिल्कुल साफ था और अब धीरे धीरे यहाँ मौसम ख़राब हो चुका है, और हम अब नीचे जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो यहाँ के दो चार ड्रोन शॉट क्लिप ड्रोन शॉट लिए, वो आप इंजॉय कीजिए, उसके बाद में नीचे चलते हैं। जो भैरू बाबा का मंदिर है उस जगह पे जाके आ गए और नीचे जा रहे हैं, और हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हमने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इंस्टाग्राम के लिए रील शूट किए, और मंदिर में जाके भैरू बाबा के दर्शन किए हैं, और आपने भी दर्शन किए होंगे। और नीचे चल रहे हैं, और नीचे चल के हम सोचेंगे ये वासुकी ताल के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्या सीन होता है वो तो जाने के बाद में पता चलेगा नीचे। और बहुत ही केदारनाथ की आज हमारा दूसरा डे है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये राकू भाई, राकू ब्लॉग क्या कहते हो? एक नंबर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी आने की इच्छा होगी, तो ज़रूर आइए यहाँ पे बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए, और बाबा भैरूनाथ के भी दर्शन करके जाइए। काफ़ी लोग आते हैं केदारनाथ दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मल चढ़ाई आप आराम से यहाँ तक आ सकते हो और बाबा भैरूनाथ के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ से जो बाबा केदारनाथ का मंदिर दिखता है ना, वो देखो वो सामने वाला उस जगह पे, तो बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये इस तरफ से देखो तो यहाँ पे उस तरफ हेलीपैड बना हुआ है। दोस्तों, जो ये लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लगी हुई है, और वो सामने यहाँ से जो मंदिर का व्यू आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप मेरे साथ कंप्लीट ये उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हो, और फिलहाल मैं अभी जो केदारनाथ के पास में पहाड़ों के बीच में एक भैरू बाबा का मंदिर है वो दिखा रहा हूँ। और ये वासुकी ताल से वो झरना आ रहा है, आप ये देख रहे हो ना, ये वासुकी ताल से होते हुए झरना आ रहा है, और वहाँ से भी एक झरना है, उस जगह पर एक झरना है, लेकिन वहाँ पे सोचते हैं हम कि जाए या न जाए।
क्योंकि हमारे जो साथी है वो थोड़ा घबरा रहे कि यार यहाँ तक वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार आए हैं तो एडवेंचर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें प्यारी प्यारी चीज़ें लोगों के लिए लाएंगे तभी तो लोग हमसे जुड़ेंगे, हम लोगों से जुड़ेंगे। तो दोस्तों पसंद आ रहा होगा वीडियो, चलते हैं आगे।